नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के आटे से एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई सत्तू। और इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करूँगी कि तीज की पूजा के लिए आप किस प्रकार से इस स्वादिष्ट मिठाई सत्तू को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप पेट पूजा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल का आइकन भी ऑन करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो भुने हुए चने का आटा लिया है। ये आपको किराने पे मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हमें इस आटे को छान लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चने के छिलके भी मिले होते हैं। तो यहाँ मैंने ये तारों वाली चलनी ली है, जिसे नॉर्मल हम हमारी किचन में आटे को छानते हैं, तो बस वही वाली चलनी लेनी है। और इस भुने चने के आटे को थोड़ा थोड़ा सा लेके हमें इस तरह से छानना है। एक साथ सारा आटा हमें चलनी में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरह से हम चलनी से आटा छान लेंगे। ये देखिए, छिलका इसमें से निकलना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके हम चलनी में डालते जाएंगे और इस तरह से हिलाते हुए सबसे पहले हमें सत्तू को छान लेना है। बहुत ही फटाफट और बहुत टेस्टी मिठाई इस तरह से बन के रेडी होती है। ये देखिए, परात में एकदम साफ सत्तू का आटा नीचे आ रहा है और ऊपर जो भी छिलके हैं चने के वो हमारी चलनी में ऊपर ही रह जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके सत्तू हम डाल के सारे आटे को छान लेते हैं। और ये लीजिए, बेसन हमारा छन के अलग हो गया है, ये सारे छिलके ऊपर आ गए हैं, तो इसको हम फेंक देते हैं। और ये जो नीचे साफ हमारा भुने चने का आटा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब एक कटोरी में मैंने यहाँ लिए हैं 4 छोटे चम्मच गोंद। कुछ लोग इसे गोंद कतीरा भी कहते हैं। ये खाने वाला गोंद है और लेडीज़ की कमर की तकलीफ़ों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमारे व्रतों में मिठाइयों में ये ज़रूर डाला जाता है। तो यहाँ गोंद को मैंने कुंडी डंडे में ले लिया है और इसको हमें दरदरा कूट लेना है, जिससे कि हमें इस गोंद को फ्राई करने में आसानी हो। और अगर हल्की सी नमी का मौसम है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप दिखा लें, जिससे कि गोंद अच्छा फ्राई होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको कूट के तैयार कर लिया है। गोंद हमारा बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को हमें गैस पे चढ़ा लेना है और उसमें एक बड़ी करछी देसी घी डाल देना है। इस देसी घी को हमें अच्छे से गर्म करना है। ये मिठाई पूरी तरह से घी में ही बनाई जाती है, तो एक करछी देसी घी मैंने यहाँ लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये जो गोंद हमने कूट के तैयार किया था, इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आधा चम्मच कर करके हमें इस गर्म घी में डालना है और गैस की आँच को बिल्कुल तेज़ रखना है। और इस तरह से झारे से हिला के हमें इस गोंद को अच्छे से फुला के सेक लेना है। ये देखिए, इस तरह से गोंद के फूले बन जाएंगे इसमें, तब हमें इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से कढ़ाई के किनारे पे हम एक्स्ट्रा घी को डैब कर लेते हैं और हमारे सारे गोंद के फूले जो हैं वो निकाल के अलग कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से दोबारा से हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच गोंद डालेंगे। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि सारा गोंद एक साथ ना डालें, बिल्कुल आधा आधा चम्मच करके आपको एकदम हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। ये धीमी आँच पर फ्राई नहीं होगा। अगर आपने धीमी आंच रखी तो बीच में गोंद की गोली कच्ची रह जाएगी और वो खाने में दांतों में चिपकेगी। तो आप ध्यान रखें, हाई टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हमें गोंद को फुला के उसके फूले बना लेने हैं। यहाँ देखिए, मैंने सारे गोंद के थोड़े थोड़े से करके फ्राई करके फूले बनाए हैं। और इस तरह से जब हम इसको अंगूठे से दबाते हैं तो ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा गोंद फ्राई होना चाहिए। हर एक गोंद की गोली आप देखिए, मैं इस तरह से दबा रही हूँ, हल्की गर्म है ये अभी, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल पाउडर पाउडर हो रही है, एकदम चूरा चूरा हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमें गोंद को फ्राई करके तैयार करना है। ये देखिए, एकदम से मैश हो गई है, हाथों में इस तरह से फैल गई है। तो बस गोंद हमारा अच्छे से फूल के रेडी हो गया है। अब उसी कढ़ाई को एक बार साफ़ कर लेते हैं, अगर गोंद के कुछ टुकड़े इसमें हैं तो। और एक बड़ी करछी शुद्ध देसी घी हम इसमें फिर से डालेंगे और अब इसी घी में, इसी कढ़ाई में हमें हमारे सत्तू को एक बार भून लेना है। तो घी को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, घी बढ़िया गर्म हो गया है, गैस की आंच इस समय मीडियम फ्लेम पे है और वो जो सत्तू हमने चलनी से छान के तैयार किया था उसको हम हमारे गर्म घी में डाल देते हैं। ये पहले से भुना हुआ सत्तू हम लाए हैं, ये भुने हुए चने का आटा है,
इसलिए इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक हम इस तरह से घी के अंदर लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अगर हम घर वाला नॉर्मल बेसन यहाँ यूज़ ले रहे होते तो हमें 10 से 12 मिनट इसको भूनने में लगते, पर क्योंकि ये पहले से भुने हुए सत्तू का आटा है, मार्केट से भुने हुए चने का आटा लाए हैं, तो बिल्कुल 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से बढ़िया भुन जाएगा। तो बीच बीच में आप इस तरह से इसमें एक एक करछी देसी घी डालते जाइए। ये आपके सत्तू की मोटाई पर निर्भर करता है कि इसमें कितना घी जाएगा, ये कितना घी पिएगा। सत्तू आमतौर पर ज़्यादा मोटा पिसा होता है, तो 3 से 4 बड़ी करछी घी आपका सत्तू आराम से पी जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये 3 करछी घी मैं इसमें डाल चुकी हूँ और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है। तो इसको इस तरह से लगातार चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे, इसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाएंगे, अदरवाइज नीचे से सत्तू लग जाएगा क्योंकि पहले से ये भुना हुआ है। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से हम चला रहे हैं और घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे 1/2 किलो सत्तू में 3 बड़े करछी देसी घी लग गया है। तो इसको इस तरह से हिलाते हुए 5 मिनट के लिए हम भून लेते हैं, जब तक कि करछी चलने में हल्की ना हो जाए और साथ ही बेसन के भुनने की बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे, आपको करछी चलाने में अपने आप लगने लगेगा। और ये देखिए, 5 मिनट बाद बेसन हमारा बढ़िया भुन के रेडी हो गया है। देखिए, अच्छा इसमें सुनहरा कलर आ गया है। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसको नीचे हटा के, नीचे रख के गैस से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने गैस से नीचे उतार दिया है, पर उसके बाद भी बीच बीच में इस तरह से इसमें पलटा चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है और मिक्सर हमारा नीचे से चिपक ना जाए। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे। अब मिक्सर हमारा जब तक ठंडा होता है, इसमें सबसे पहले हम मिला लेंगे गोंद के फूले जो हमने देसी घी में फ्राई करके रेडी रखे थे। तो ये सारे गोंद के फूले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से हिला देते हैं जिससे कि मिक्सर हमारा ठंडा भी हो जाए और ये जो गोंद के क्रंची फूले हैं ये हल्के से टूट के हमारे भुने हुए बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये फूले खाने में तो बहुत अच्छे लगते ही है, साथ ही अगर आपको कमर दर्द की तकलीफ़ है तो आपके लिए बिल्कुल दवाई का काम करते हैं। तो गोंद के फूले मैंने अच्छे से इसमें हिला दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ मैंने हरी इलायचियाँ ले ली है, आराम से 10 से 12 हरी इलायचियाँ मैंने ली हैं, उनका छिलका हटा दिया है और इसे कुंडी डंडे में इस तरह से कूट के इसका हम इलायची पाउडर बना देंगे। तो ये फ्रेश बिल्कुल कुटा हुआ इलायची पाउडर हम इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही इसमें अच्छी खुशबू के लिए हम केसर डाल लेते हैं। तो बिल्कुल 10 से 12 इलायचियाँ हमने डाली है और 10 से 12 ही केसर के लच्छे भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ये केसर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और जब तक हमने ये चीज़ें डाली है तब तक हमारा मिक्सर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ये देखिए, आपको इसको इतना ठंडा करना है कि आपका हाथ इस तरह से इसके ताप को सहन कर सके। तो अब इस ठंडे हो गए मिक्सर में बूरा चीनी मिला देते हैं। यहाँ ये मार्केट से लाई हुई 300 ग्राम बूरा चीनी मैं 1/2 किलो बेसन में डाल रही हूँ। 1/2 किलो सत्तू था, उसमें 300 ग्राम बूरा चीनी हमने ऐड की है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पहले आधी चीनी डाल रही हूँ और पलटे से एक बार इस तरह से हिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर हमारा गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा, चीनी पानी छोड़ देगी और हमारा सत्तू जो है वो हार्ड हो जाएगा, दांतों में चिपकेगा। तो एक बार मिलाने के बाद मैंने बाकी बची हुई चीनी भी इसमें डाल दी है और इसको एक बार पलटे से हम मिला लेते हैं और उसके बाद जो है हाथों से अच्छे से इसको मसल मसल के सारी बूरा चीनी को हमें सत्तू में मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हाथों की सहायता से सत्तू और चीनी को हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसमें हमने काफ़ी मात्रा में घी डाला है तो इसको आपको हाथों से ही मिलाना पड़ेगा। इस तरह से क्रम्बल करते हुए हमें सारी चीनी को सत्तू में मिक्स कर लेना है। ये देखिए, यहाँ केसर इलायची और शक्कर अच्छे से हमारे मिक्सर में मिल गई है। अब मुट्ठी बांध के एक बार चेक कर लेते हैं, बढ़िया लड्डू बन रहा है। तो बस मिक्सर हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, इस तरह से मिक्सर को लेके हम इसका लड्डू बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सर नीचे से उठाते जाएंगे और लड्डू को बड़ा करते जाएंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से लड्डू भी बना सकते हैं या फिर किसी कंटेनर में या सुंदर सी परात में इस तरह से एक बड़ा सा सत्तू जमा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं लड्डू को और नीचे से मिक्सर ले के बड़ा करती जा रही हूँ और ये मेरा काफ़ी बड़ा लड्डू बन गया है। तो इसको हथेलियों से इस तरह से मैंने फ्लैट कर दिया है। अच्छा घी इसमें डाला है, अभी ये घी और छोड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ये मेरा कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर हम सत्तू को डाल देते हैं और इस तरह से थपथपाते हुए हमारे सत्तू को इस डोंगे में हम अच्छे से जमा देंगे। तो उंगलियों की सहायता से इस तरह से जो भी क्रैक हैं उनको आप अच्छे से सुधार लें और ये सत्तू को हमें बढ़िया से जमा देना है। और इसके बाद एक छोटा डोंगा हम और ले लेते हैं और उसके अंदर ये जो बचा हुआ मिक्सर है इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही
पहले एक छोटा लड्डू बनाएंगे और नीचे से मिक्सर को लेते हुए इस लड्डू को हम बड़ा करते जाएंगे और बाकी का बचा हुआ सारा मिक्सर भी हम उस छोटे वाले कंटेनर में जमा देंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है। इसको बिल्कुल वैसे ही हथेलियों से थपथपा के थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और हमारे कंटेनर में डाल के इसके क्रैक्स को रिपेयर करके और बढ़िया से सत्तू का आकार दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों सत्तू अच्छे से जम के तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ते और ये है चांदी का वर्क। साथ ही आप इसे सोने या चांदी के सिक्कों से भी डेकोरेट कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर पूजन में मुद्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप चांदी के या सोने के इस तरह से कॉइन्स भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे बड़े वाले कंटेनर में हम सबसे पहले लगा लेते हैं चांदी का वर्क। तो यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से मैंने वर्क को इसके बीचों बीच लगा दिया है। न्यूज़पेपर हम हटा देते हैं और एक कॉटन बॉल से इस तरह से डैब करते हुए हमें चांदी के वर्क को सत्तू पे पूरी तरह से चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ हम हमारा गोल्ड कॉइन ले रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी भगवान की तस्वीर वाला सिक्का ले सकते हैं और हमारी सोने की गिन्नी को हम इस तरह से चांदी के वर्क के बीचों बीच चिपका देते हैं और हल्का सा उंगली से प्रेस कर देते हैं जिससे कि ये सत्तू के अंदर तक चला जाए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है काजू टुकड़ा और उसको आधा करके इस तरह से इसके किनारे पे काजू से हम एक सुंदर सा बॉर्डर बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आधे आधे काजू के टुकड़े को लेके मैंने इसका बाहर का बॉर्डर बना दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ किशमिश ली है और उसको भी बिल्कुल इस तरह से अंदर एक सर्कल बना दिया है। डेकोरेशन आपकी इमेजिनेशन और जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद सबसे अंदर मैंने बादाम लगा दिए हैं और ये लीजिए हमारा एक सत्तू रेडी है। इसी तरह से दूसरे छोटे वाले कंटेनर पर हम चांदी का सिक्का लगा देते हैं। इसको मैंने दूध से अच्छे से पहले धो लिया है और भगवान की तस्वीर को ऊपर रख के इस तरह से दबा के हम इसमें लगा देते हैं। और यहाँ मैंने पिस्ते और किशमिश से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए हमारे दोनों ही सत्तू बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो बस देर किस बात की, आप भी अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करें सत्तू की ये एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्सअप दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।